हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल के कोझिकोड में कल रात बड़ा हादसा हुआ। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बारिश के बीच रनवे पर उतरने के चलते यह हादसा हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पायलट और को पायलट की भी जान चली गई है, क्योंकि विमान का कॉकपिट वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। विमान के 7 क्रू मेंबर समेत कुल 191 लोग विमान में सवार थे, जिनमें से 170 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। गनीमत यह रही कि विमान फिसलने के बाद 3 टुकड़ों में बट गया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी, नहीं तो यह हादसा और भयानक हो सकता था। एयर इंडिया का विमान IX-1344 दुबई से केरल के कालीकट आ रहा था। शाम 8:15 विमान लैंड करने वाला था और उस वक्त कालीकट में भारी बारिश हो रही थी। पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की इजाजत मांगी। इसके बाद विमान ने जैसे ही रनवे को टचडाउन किया, वो फिसलकर रनवे के नीचे करीब 35 फीट गड्ढे गहरे खाई में गिर गया और विमान 3 हिस्सों में टूट गया। और इसके पहले आपको बता दें, पायलट ने 2 बार लैंडिंग रोकी भी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण ये लैंडिंग रोकी गई थी। लेकिन उसके बाद जब लैंडिंग की कोशिश हुई और जैसे ही विमान के पहिए टच डाउन हुए एयर स्ट्रिप पर, उसके बाद वो विमान फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जाकर विमान गिरा और 3 टुकड़ों में बट गया। गनीमत बस ये रही कि विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। लेकिन 18 लोगों की जान अभी भी इस दुखद हादसे में चली गई है। और टेबल टॉप एयरपोर्ट है, कोझिकोड एयरपोर्ट की बात करें, टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट उस एयरपोर्ट को कहा जाता है जो ऊंची पहाड़ी पर या ऊंची जगहों पर बना होता है और उसके दोनों तरफ या कम से कम एक तरफ खाई जैसी कोई जगह हो। देखिए, केरल के कोझिकोड विमान हादसे की 2 ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है विमान में मलबा, 3 टुकड़ों में दिख रहा है विमान, 3 टुकड़ों में बट चुका है विमान। और दूसरी तस्वीर घायलों की तस्वीर है, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जैसे ही विमान कोझिकोड पहुंचा और लैंडिंग की कोशिश हुई, उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के बाद जैसे ही टचडाउन हुआ, विमान स्लिप कर गया। और देखिए, इस दुर्घटनाग्रस्त विमान में जो यात्री सवार थे, उनमें से एक ने क्या कुछ कहा है, कैसे आप बीती बताई है, वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। शाम को करीब 7:30 बजे था, निचरने में मुश्किल हो गया। वो तो वो बहुत ट्राई किया, एक बार जब तुरंत वो ट्राई किया नीचे उतरने का, फिर उसको सिचुएशन बराबर नहीं, फिर भी उठ गया। सेकंड टाइम उठने टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे है, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्दन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्दन। उसी में सडन ब्रेक हो गया, सब लोग बेल्ट बेंटता था, सब लोग हम लोग क्या की कर दिया, सामने का सीट में हाथ देके उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश किया। अभी क्या गर्दन में चला गया, फ्रेट आधा हो गया, ओपन हो गया पूरा, हम जो ओपन दिख रहे, ओपन स्पेस हो गया, पूरा ओपन आ गया, सब लोग रो रहे।